भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आगामी लोकसभा चुनाव को डीलर्स बनाम लीडर्स करार दिया है। शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे संबित पात्रा ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने प्रदेश में हुई सपा और बसपा के बीच की गठबंधन को एक डील बताया है, साथ ही कांग्रेस को लीडर्स ऑफ डीलर्स करार दिया है। बंधुओं, अगर एक वाक्य में कहना हो 2019 के लड़ाई के विषय में, तो मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कहूंगा और बहुत ही सरल भाव में कहूंगा कि ये लड़ाई लीडर्स और डीलर्स के बीच में है। एक पक्ष में एक लीडर खड़ा है और दूसरे पक्ष में खड़े हैं कई डीलर्स, जिन्होंने हिंदुस्तान को बेचने की कसम खा रखी। जो लीडर है उसका नाम श्री नरेंद्र मोदी है। जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेते हुए यह लीडर लगातार काम कर रहा है, मैं कहना चाहूंगा पीएम का अर्थ केवल प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। पी से परफॉर्मेंस, पी से परिश्रम और एम से मेहनत अर्थात हार्डवर्क होता है। एक परिश्रमी प्रधानमंत्री जिन्होंने विगत 5 वर्ष में हिंदुस्तान के आकार को, स्वरूप को, हिंदुस्तान में विकास के गति को आगे बढ़ाने का काम किया है, ही इज द लीडर। और वहीं दूसरी ओर ये जो तथाकथित लोग गठबंधन, महागठबंधन इत्यादि के नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं, अगर एक शब्द में इनको परिभाषित करना हो तो वो शब्द है डीलर्स।